हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से। दोस्तों, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आप सब लोगों के लिए जो परेशान थे कि भाई पोलैंड का हो क्या रहा है, पेपर हाथ में है, वर्क परमिट हाथ में है और अपॉइंटमेंट स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दोस्तों। तो सबसे पहले चैनल पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने सेमिनार की बुकिंग नहीं की है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्लीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट एवरीवन www.tabrezmalik.com पे जाएं और अपना स्लॉट बुक करें, कंफर्मेशन लें और आइए हमारे पास, मुझसे मिलिए डायरेक्ट। उसमें कई चीज़ें मैं बताऊंगा, पोलैंड के बारे में बताऊंगा, मैं आपको हर चीज़ें अपडेट करूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। तो 25 फरवरी को मैं आ रहा हूं चंडीगढ़ में। तो आप प्लीज़ सब लोग स्लॉट बुकिंग कीजिए और आइए, क्योंकि 250 लोगों की बुकिंग मैंने किया हुआ है, जिसमें से लगभग मुझे लगता है 100 के आसपास का फिलिंग हो गया, पेमेंट भी आ गया दोस्तों। तो दोस्तों, अपडेट नया ये है कि पोलैंड की जो एम्बेसी है इन इंडिया में, उन्होंने कई स्लॉट ओपन कर रहे हैं। और क्या है ये, कैसे आप बुक करेंगे, कौन कौन से ब्रांच ओपन होने वाले, किस टाइप के स्लॉट्स अवेलेबल है। दोस्तों, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो पोलैंड एम्बेसी है या पोलैंड का जो अपॉइंटमेंट है, वो सबसे बड़ा मसला ही है दो का, एक तो है आपका वर्क का और एक स्टडी का। तो न्यूज़ ये आया है कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, स्क्रीन पर भी डाल देता हूँ, पढ़ के भी समझा देता हूँ कि मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई एंड हैदराबाद, मतलब नॉर्थ के और साउथ के ये ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट ओपन हो रहे हैं दोस्तों। मार्च महीने का अपॉइंटमेंट स्लॉट ओपन हो रहा है, जो कि 31 जनवरी, मतलब दो दिन के बाद स्लॉट ओपन होने वाला है। दोपहर के 3 बजे स्लॉट ओपन होगा दोस्तों। आप सब लोग, जिन जो जो लोग पोलैंड का अपॉइंटमेंट का वेटिंग कर रहे हैं, प्लीज़ आप सब वो पोलैंड का अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए 3 बजे। अब एक और बताता हूँ मैं कि जिसको जब का अपॉइंटमेंट चाहिए उसमें अवेलेबल रहेगा, लेकिन दोस्तों उन्होंने एक नोट डाला है, ड्यू टू सेवरल हिट्स ऑन द वेबसाइट ऑन अपॉइंटमेंट अलोकेशन डे, द वेबसाइट में फेस स्लोनेस एंड इंटरमिटेड इश्यूज। इसका मतलब ये होता है कि VFS पहले से क्लियर कर रहा है कि जो कि स्लॉट जब ओपन होगा तो ऐसा होगा कि वेबसाइट हैंग हो जाएगा। हैंग मतलब बहुत स्लो चलेगा, जैसे IRCTC, अगर आप जो इंडियन लोग हैं मुझे समझ रहे होंगे कि जब तत्काल का टाइमिंग होता है या बुकिंग की टाइमिंग जब खुलती है 120 दिन पहले टिकट, तो कैसे वेबसाइट नहीं काम करता है। कभी कभी आप देखोगे कि डेटा फिल कर देते हैं फिर वो पीछे आ जाता है, कभी कभी उसका सिक्योरिटी कोड डालते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी कभी आप अपना पासवर्ड भी डालते हैं तो कभी कभी एरर आ जाता है। तो इस तरह का होगा। और क्योंकि इसमें दोस्तों देखो, अब पोलैंड है, पोलैंड के नाम पे आपको मालूम है कितना स्कैम चलता है, तो सबको मालूम है कि जब मार्च का खोलने वाला है तो एक एक आदमी 50-50 हज़ार का रेट है मार्केट में, जो मैंने पता किया है 50-50 थाउजेंड का अपॉइंटमेंट का रेट चल रहा है। और इस टाइम समझ लो बड़े बड़े जितने भी मास्टर ब्लास्टर IT वाले, नॉलेज वाले रखने वाले हैं, सोचो किस तरह से इसको सर्वर को एकदम मतलब हैक कर देंगे, मसला खड़ा कर देंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट होके ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़, जिनके गल्फ में फ्रेंड्स है, खासकर UAE में, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड के टॉप इंटरनेट स्पीड में UAE आता है, जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ के अगर कोई फ्रेंड्स है तो उसका हेल्प लीजिए इस टाइम के लिए। क्योंकि क्या होता है, इंडिया का सर्वर हैंग होगा मैं मानता हूँ, लेकिन क्या पता यहाँ का जो वेबसाइट, यहाँ का जो सर्वर है वो मतलब ख़तरनाक इंटरनेट चलता है, तो आपका शायद बहुत अच्छा चले। क्योंकि यहाँ पे देखो, घरों में भी दोस्तों जो इंटरनेट स्पीड है 200-200 MBPS है, और 200-200 MBPS बहुत स्पीड होती है। तो कुछ फ्रेंड्स का हेल्प लीजिए, अगर मेरी सर्विस लेना है तो मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिएगा 9988833584 पे, या दुबई के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे कांटेक्ट करके आप हमारे बारे में बता, हम फीस आपको बता देंगे। इसके अलावा एक टेक्निक और बताने जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैंने जो पता की आजकल। और ऐसा होता है कि दोस्तों कि अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हो और अच्छी कंपनी में जा रहे हो पोलैंड में, और आपका जैसे कि IT सेक्टर में हो या बड़े पोजीशन पे काम कर रहे हो या अच्छे पोजीशन पे जा रहे हो, और बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, अपॉइंटमेंट का ये इशू है और आपका परमिट ख़त्म होने वाला है, तो दोस्तों एक ईमेल आईडी देता हूँ मैं, newdelhi.polymb, या नीचे लिख देता हूँ info@msg.gov.in, इस पर मेल कीजिए .pl पे, और इनको थोड़ा डिटेल में समझाइए। एक और ईमेल आईडी देता हूँ, newdelhi.consular@msj.gov.in, इस पर मेल कीजिए और इनको ना मेल लिखिए, इनको मेल लिख के समझाइए कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है और मुझे अर्जेंट ज़रूरत है इस चीज़ की। क्योंकि कहीं पे मैंने सुना था ये टेक्निक लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो मैं सोचा। और मेल में लिखना क्या दोस्तों, देखो सबसे पहले तो आप उसमें लिख दोगे अपॉइंटमेंट का, जो रिक्वेस्ट लिखोगे ना, रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट अपॉइंटमेंट ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ स्लॉट ऑन VFS, ठीक है, मतलब मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, उसमें मेल में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ
या एक काम करता हूँ, इसका मेल का जो फॉर्मेट है मैं कम्युनिटी पे डाल देता हूँ, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके डालिए, कुछ नहीं थोड़ा सा लिखना है, हेल्प फाइंड योर मेल, मेरा नाम ये है, आई एम राइटिंग टू अर्जेंट रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट फॉर द एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन इंडिया, आई एम करंटली इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर द मतलब वर्क वीज़ा एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव अनेबल टू सिक्योर एन अपॉइंटमेंट स्लॉट थ्रू VFS ग्लोबल सिस्टम सिंस लास्ट 3 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, जो भी है आप बोल दो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल आपको लिखना है कि ट्रेवल प्लान आपका क्या है, उसके डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, आपका पूरा डिटेल लिखिए, एक मैं लेटर बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेटर एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे, तो बेटर है कि मेल लिखिए। और मैंने ये जहाँ तक सुना है कि उस मेल के बेस पे कभी कभी आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट दे देते हैं, टाइमिंग देते हैं, उस टाइमिंग पे जाके आप ये कीजिएगा। दूसरा एक चीज़ बता दूंगा कि अपॉइंटमेंट जिस तरह से बुक मैं माल्टा का इशू चालू हुआ था, आपको सबको मालूम है, अगर जो मेरा वीडियो देखते हैं माल्टा का, सेम इशू ये था। तो दोस्तों स्कैमर से बच के रहिएगा, क्योंकि स्कैमर क्या करेंगे, आपसे पेमेंट ले लेंगे और फेक अपॉइंटमेंट देंगे। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ नेशनल वीज़ा एम्प्लॉयमेंट जो होगा वही एक्सेप्टेबल होगा, नेशनल वीज़ा एम्प्लॉयमेंट ही एक्सेप्टेबल होगा इस समय के लिए, अगर आप सबमिशन करने जा रहे हो। तो दोस्तों प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पोलैंड के नाम पे फिर एक नया स्कैम में मत फंसिए। पोलैंड का अपॉइंटमेंट चालू हो रहा है 2 दिन के बाद दोस्तों, आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए आपको वीडियो बना के, तो मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ पोलैंड के नाम पे स्कैम चालू होने वाला है, तो अलर्ट हो जाइए और अपॉइंटमेंट खुद से कोशिश कीजिए बुक करने की। अगर नहीं है तो कोई फ्रेंड से मदद लीजिए जो गल्फ में रहते हैं या US में रहते हैं, किसी के बाहर गाँव में रहते हैं, वहाँ से ट्राई कीजिए, या इंडिया से उस टाइम कीजिएगा तो ट्राई करते रहिए, फॉर्म फिल करके रहिए और खाली रिफ्रेश कीजिएगा मेन पेज पर जाके। अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ करना नहीं है आपको, वेबसाइट पर जाना है, अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर जाना है, बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है दोस्तों। बुक अपॉइंटमेंट के क्लिक करने के बाद आपको एक लॉगिन पेज को जो लॉगिन करना है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पेज का जैसा आम तरीका से रहता है वैसे आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप कुछ इशू आ रहा है तो इस मेल पे आप उसको मेल कर सकते हैं VFS को कि मैं ट्राई करता हूं, या जो भी आप रीज़न है आप मेल करके कंप्लेंट करके VFS को भी बोल सकते हो दोस्तों। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जो लोग अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं VFS का, प्लीज़ स्कैम में मत फंसिएगा। और जिन्होंने मेरा सेमिनार जो चंडीगढ़ में होने वाला है 25 फरवरी 2024 को संडे के दिन रखा है मैंने दोस्तों, उन्होंने बुक नहीं किया तो बुक कर ले, www.tabismali.com पे जाके अपना स्लॉट बुक कीजिए, कि सिर्फ 250 लोगों का उसमें सीट है, 100 के आसपास का लोगों का हो चुका है, कंफर्मेशन जा चुका है दोस्तों। आप सबसे है दिलतिया कि एक महीना बचा है, 150 लोग रजिस्ट्रेशन तो 600 लोगों का हुआ है दोस्तों, लेकिन जो पेमेंट है वो 100 के आसपास के लोगों ने किया, तो यही उम्मीद है कि जो 500 लोग ने पेमेंट नहीं किया वो पेमेंट कीजिए और अपना सीट बुक करके छोड़ दीजिए दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो पोलैंड के बारे में, इन्फॉर्मेशन सही है क्या है नहीं था मुझे बताइए दोस्तों, और भी वीडियो लेके आऊँगा, एक एक से अपडेट लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर आपको सेंट्रल नंबर नहीं मालूम बता दो, 9988833584 है, दुबई का नंबर 0564939584 है, वीजा मलिक जीमेल पे ईमेल कर सकते हैं, या तब्रेज मलिक अंडरस्कोर ऑफिशियल पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, तब्रेज मलिक दिल से सब कुछ रिप्लाई करता है दोस्तों।